वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर मैथ्स वन. यस, दैट इज इंटीग्रेशन. सो आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन वी आर ऑन इंटीग्रेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज देयर इन योर सीए फाउंडेशन सिलेबस एज वेल. ओके, सो इसको अपन को एकदम शिद्दत से करना है इंटीग्रेशन. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला इंडेक्स दाखवतो याची थोडीशी, आपली ऑलरेडी दाखवलेली आहे पण परत एकदा पहा. इंटिग्रेशन जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे करताल तर तुम्हाला डेफिनेट इंटिग्रेशन करता येईल आणि त्यानंतर त्याचा ऍप्लिकेशनही करता येईल. सो 5, 6, 7 हे चॅप्टर सर्व इंटरलेटेड आहेत आणि हे सर्व तुम्हाला काय करायचे आहेत, चांगल्या प्रकारे करायचे आहेत. हे एका चॅप्टरला पकडून चालू नका, हे तिन्ही चॅप्टर काय करा, तुम्हाला चांगल्या प्रकारे करायचे आहेत. एव्हरी वन हॅव यू अंडरस्टूड? सो बी अटेंटिव्ह, बी रेग्युलर टू द लेक्चर्स. प्रॅक्टिस मॅटर्स इन इंटिग्रेशन. जसं डेरिव्हेटिव्हची आपण खूप मॅक्सिमम प्रॅक्टिस केलेली आहे, सेम वे मध्ये आपल्याला इंटिग्रेशनची ही अल्टिमेटली खूप सारे प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके, आणि इंटिग्रेशन इज व्हेरी इझी. अगेन अ गुड न्यूज, लाईक डेरिव्हेटिव्ह देर इज नो सिंगल वर्डिंग ऑफ साइन कॉस टॅन थीटा. नथिंग साइन कॉस टॅन कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ अपना मैथमेटिक्स इसके अंदर है पूरा. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द गुड न्यूज. ओके, सो लेट्स चेक व्हाट इज इंटिग्रेशन. जसं डेरिव्हेटिव्ह, डेरिव्हेटिव्ह काय बोलतो, तोडणे. आता याच्या नावातच ते बोलतो इंटिग्रेशन म्हणजे काय, एकत्रित आणणे. काय? एकत्रित आणणे. सो इंटिग्रेशन म्हणजे काय बोलतो, इट इज अ रिव्हर्स प्रोसेस. येस, इंटिग्रेशन इज अ रिव्हर्स प्रोसेस ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. येस, जसं आपण इथे एक्झाम्पल घेऊ आता. ओके, इंटिग्रेशन लेट्स चेक. जसं बाळांनो मी सपोज तुम्हाला विचारलं, बच्चो मुझे बताओ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या है. एक्स क्यूब, सो व्हाट व्हाट विल बी दैट. एवरीबडी नोज कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन बच्चों, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाएंगे. कौन सा फॉर्मूला? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन का फॉर्मूला लगाएंगे. यस बच्चो, ओके. तर मला सांगा मग ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल. स्ट्रेट अवे 3x2. येस, आता लक्षात घ्या, जर का मी तुम्हाला विचारलं, लक्षात घ्या, जर का मी तुम्हाला विचारलं की 3x2 ला 3x2 हा कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. काय विचारलं मी, 3x2 हा कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, तर दॅट इज रिटर्न ॲज इंटिग्रेशन. हे जे मी साईन काढलं आता, दिस इज द साईन ऑफ इंटिग्रेशन. इसको काय बोलते बच्चो आपण, साईन ऑफ इंटिग्रेशन. हे कशाचं इंटिग्रेशन आहे तर आपण काय म्हणणार बाळांनो, तर हे एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. म्हणजेच काय, पा, इंटिग्रेशन ऑफ 3x2 इज एक्स क्यूब. अंडरस्टूड? काय बाळांनो परत एकदा लक्षात घ्या, काय, इंटिग्रेशन ऑफ 3x2 इज इक्वल टू काय बाळांनो, एक्स क्यूब. जसा एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x2 आहे, तसा 3x का इंटिग्रेशन एक्स क्यूब आहे, सिंपल वे मध्ये. सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग व्हाट, सो इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. येस बच्चो, हैव यू अंडरस्टूड? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव और उसका साइन ये. अभी अपने को क्या करना है बच्चों, दो प्रकार के इंटीग्रेशन अपने को क्या करना है यहाँ पे लर्न करना है. पहला है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा नेक्स्ट कौन सा बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, अभी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है दैट वी विल चेक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड जो अपना जो फ्यूचर चैप्टर से जो अपना डेफिनाइट का उसमें अपन देखने वाले, और इसमें अपन कौन सा देखेंगे बच्चों, इनडेफिनाइट. यस, इस चैप्टर में अपन कौन सा स्टडी करेंगे, इनडेफिनाइट, और उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें अपन कौन सा स्टडी करेंगे बच्चों, डेफिनाइट. इन दोनों में क्या फर्क है सर, देखो इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है. इसके अंदर क्या होता है, लिमिट होता है फ्रॉम ए टू बी, 3x2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ओके, सो ये लिमिट के अंदर अपने को काम रख के काम करना पड़ता है, और यहाँ पे देर इज नो लिमिट. यस, अंडरस्टूड? इस तरह से अपने काम करना है. ओके, चलो और एक चीज. अब मुझे बताओ बच्चों,
एक्स क्यूब चा डेबिट तुम्ही तुम्हाला सांगितलं काय वळण होतो 3x2। आता मला सांगा एक्स क्यूब प्लस 9 इसका डेरिवेटिव बोलो सेम आएगा। सेम आएगा कि नहीं आएगा क्यूब बोलो बच्चों। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। यस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 10.9 इसका बोलो 3x2 प्लस 0 इज इक्वल टू अगेन 3x2 सेम आएगा ये तो बच्चों। ओके आता मैं सांगा मी ह्याचा इंटिग्रेशन करतो मला सांगा मग आता सांगा इंटिग्रेशन ऑफ 3x2 काय आहे। अरे सर इंटिग्रेशन ऑफ 3x2 वो तो एक्स क्यूब भी है सर। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 3x2 अरे वो तो एक्स क्यूब प्लस 9 भी है। अरे इंटीग्रेशन ऑफ 3x2 ये तो एक्स क्यूब प्लस 10.9 भी है। अरे सर फिर वो तो ये तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि एक्स क्यूब के आगे अपन कोई भी नंबर अगर जोड़ेंगे लेट से अपन ने सिर्फ 1 लाख जोड़ दिया तो ये भी तो उतना ही आएगा 3x2 ही आएगा सर। यस तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की जेव्हा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढतो तर डेरिव्हेटिव्ह काढताना आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह काय वळणार ऑलवेज इट इज झिरो। ओके म्हणजे ज्यावेळेस आपण इंटिग्रेशन काढतो एखाद्या नंबरचा ती रिव्हर्स प्रोसेस आहे तर आपण असं सांगू शकत नाही त्या फंक्शन मध्ये कॉन्स्टंट आहे का नाहीये। आपण सांगू शकतो का आपण एक्झॅक्ट काढू शकतो का मला सांगा मला 3x2 वरनं मला हा कधी सुचेल का हो एक्स क्यूब प्लस 1 लाख हा आकडा कधी हा कधी सुचेल का सांगा ना हे मला काढता येईल का नाही काढता येणार। सो इन दॅट केस व्हॉट हाऊ कॅन वी राईट इट लाईक एक्स क्यूब प्लस सी अँड दिस सी रिप्रेझेंट्स व्हॉट द कॉन्स्टंट। येस सी रिप्रेझेंट व्हॉट कॉन्स्टंट। येस मतलब ये जो भी 9 था 10.9 था 1 लाख था is getting represented by this C. Yes? So, ashe case madhe, always remember, whenever we integrate something, we have to always write plus C. Everyone, are you there? Whenever we integrate any function, uske solution mein plus C apne ko likhna hai. If you don't write that plus C, your answer is totally wrong. Your answer is टोटली गेटिंग रॉन्ग। ये बच्चों सो अपने को क्या करना है इसके अंदर प्लस सी लिखना ही लिखना है। बोलो रे बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस प्लस सी क्यों लिखना है सबको पता है लिखना है लिखना है लेकिन क्यों लिखना है ग्रेट। चलो सो गिविंग डेफिनेशन giving definition write down if f and g are two functions if f and g are two functions such that on your screen d upon dx of g of x is equal to f of x
then function g is called as then function g is called as antiderivative antiderivative anti antiderivatives or primitive sorry PRI or primitive screen or ahe primitive or an indefinite or indefinite integral of function f and we write it as integration of f of x is equal to g of x. अब इधर मैंने प्लस सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि g of x itself is a function ना, उसको एज इट इज करके अपन ने डाला इधर. नेक्स्ट लाइन लिया देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव is called as integration. Is called as integration. Yes. Okay. आता पा इथे इथे राहिलं माझं सॉरी इसको है ना इधर अपने को dx लिखना पड़ता है f of x dx सॉरी इधर dx लिखो. Yes, integration of f of x dx. देखो यहाँ पे मैंने correction किया red में लिखता उसको ये correction है. Okay. और चलो फॉर सेफर साइड में इसको क्या करता हूं प्लस सी भी लिख देता हूं. ओके सो तुमने डेफिनेशन लिखा उसके नीचे ये लिखो ये जो मैंने लिखा भी ये लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी. ओके चलो इसके अंदर देखो अभी कौन से चीज को क्या बोलते हैं वो अपने को देखना है. यस इसको अपन बोलते हैं बच्चों इंटीग्रल साइन. इसको क्या बोलते बच्चों अपन इंटीग्रल साइन. इसको बोलते बच्चों अपन इंटीग्रैंड. इसको बोलते बच्चों अपन एलिमेंट ऑफ
इंटीग्रेशन. यस, उसके बाद इसको बोलते बच्चों अपन, इसको क्या बोलते अभी तो बोला मैंने, डेफिनेशन में लिखा अपन ने, इसको बोलते अपन क्या, प्रिमिटिव. और बच्चों इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको क्या बोलते हो बच्चों अपन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और सिंपल एंड प्रिसाइज. ओके, किसको क्या बोलते हैं अपन ने यहां पे लिख डाला है. यस, तुम ही पर लीले बांध दो. डन. चलो अभी नेक्स्ट लिखो बच्चों, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले. सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले. ओके, अच्छा काही फॉर्म्युले आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह असणं पण आलेले आहेत आणि काही फॉर्म्युले आपल्याला इंटिग्रेशनचे पण मिळालेले आहेत. ओके, सो नंबर वन फॉर्म्युला. ओके, स्टँडर्ड फॉर्म्युले व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंबर वन फॉर्म्युला, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन. ये साइन थोड़ा अच्छे से निकालो. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स. ये डीएक्स लिखना भी मत भूलो, मेरे से ऊपर गलती हुआ था. इज इक्वल टू क्या बच्चों, देखो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. ये सी लिखना नहीं, लिखना भूलना नहीं कभी. यस, मैं सांगा सर आप फॉर्मूला कहीं तरी सुना सुना लिखता है लग रहा है कहीं तो. हा फॉर्म्युला काय वाढणं, हा अपोजिट आहे कोणत्या फॉर्म्युलाशी, एक्स रेस टू एन च्या. आपण काय करायचो, एन ने मल्टीप्लाय करायचो आणि एक्स रेस टू एन मायनस वन करायचो. आता ह्याच्यात अपोजिट काय केलंय सर, बघा हा फॉर्म्युला आहे डेरिव्हेटिव्हचा आणि हा फॉर्म्युला कोणाचा, इंटिग्रेशनचा. इथे इथे आपण करत होतो मल्टीप्लाय, इथे केलंय डिवाइड. इथे करतो आपण लेस, इथे केलंय आपण ऍड. आर यू गेटिंग दिस? इंटिग्रेशन के एकदम अपोजिट, डेरिवेटिव्स के एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट. पहा हा फॉर्म्युला कोणता आहे, पहा बाळांनो, ज्यावेळेस तुम्ही इंटिग्रेशन पुढे जाता तेव्हा तुम्हाला डेरिवेटिव्ह हा हळूहळू हळू विसरायला लागतो. तसं आपल्याला होऊन द्यायचं नाहीये. मी तुम्हाला काय कम्पेरेटिव्ह स्टडी करा दोन मिनिटं. आपण हा डेरिवेटिव्हचा फॉर्म्युला आहे, सर्वांना मान्य आहे डेरिवेटिव्हचा फॉर्म्युला. येस, आपण इथे काय करतो बाळांनो, इथे इथे मल्टीप्लाय केलं, इथे त्यांनी डिवाइड केलाय. एन ला इथे मल्टीप्लाय केलाय त्यांनी, इथे काय केलं त्यांनी डिवाइड केलाय. इथे एक्स मधन एन मधन वन लेस केलाय, इथे एन मध्ये वन ऍड केलाय. पाय एक्स रेस टू एन मध्ये एन ऍड केलाय त्यांनी. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन इंटिग्रेशन अँड डेरिव्हेटिव्ह. की एकदम अपोजिट आहे हर फॉर्म्युला, क्या होगा अपोजिट होगा एकदम. नंबर टू फॉर्म्युला, इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डीएक्स. मला सांगा
integration masanga d upon dx काय केल्यावर मला 1 upon x मिळतो बच्चों रिकॉल करो अगर मैं किस चीज का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे 1 upon x मिलेगा तो ऑब्वियसली log x का गाइस गो बैक एंड रिवाइज प्लीज गो बैक एंड रिवाइज यस सो log x का डेरिवेटिव 1 upon x दैट वी ऑल नो सो यहां पे क्या होगा बच्चों यहां पे बन जाएगा log ऑफ x प्लस लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज ऐसा है कि इस लॉग को अपन डालना पड़ेगा मॉड के अंदर क्या डालना पड़ेगा अपने को मॉड के अंदर क्योंकि आपने को पता है लॉग ऑफ एनी नंबर कैन लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी फाउंड सो अपने को यहां पे डालना पड़ेगा मॉड दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर थ्री इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स e raise to x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों क्या डेरिवेटिव करने के बाद मुझे e raise to x मिलेगा पुअर पुअर e raise to x ही करना पड़ेगा ना बच्चों वेरी गुड e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों e raise to x प्लस इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे c करना पड़ेगा यस उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मुला लिखो नंतर मी तुम्हाला विचारतो हा कसा आला ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी यस अथवा मला सांगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स काय आहे ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए मी सांगितलं तुम्हाला विचारून काय फायदा नाहीये ओके फक्त लक्षात घ्या की आपल्याला आठवतोय की नाही यस ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए मी काय करतो ह्या लॉग ए ला है ना इधर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा वन अपॉन लॉग ए इंटू ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स ओके आता लक्षात घ्या डेरिवेटिव च्या आतमध्ये मी त्याला घेऊन येतो सो दिस बिकम्स ए रेस टू एक्स डी अपॉन डी एक्स मला सांगा हा जो वन अपॉन ए आहे दिस इज कॉन्स्टंट करेक्ट सो मी इसको इसके अंदर लेके आता हूं तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए इज ए रेस टू एक्स आहे की नाही बस त्याच्या उलट इथे लिहून टाकलं म्हणजेच काय ह्याला फक्त इंटिग्रेशन साइन लावला डीएक्स लावला आणि हा काढून टाकला अंडरस्टूड बच्चों हैव यू अंडरस्टूड ये फॉर्मूला कैसे आया नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी ये इसको ऐसे लिखना है क्योंकि आपल्याला प्रूफ दैट वगैरह ऐसे काही फॉर्मूले येत नाहीत आपल्याला यस सो दीज आर द फोर फॉर्मुलाज आउट ऑफ विच थ्री आर फ्रॉम वेयर थ्री आर फ्रॉम डेरिवेटिव्स ओके आता लक्षात घ्या ह्याच्यामध्ये साइन कॉस टॅन सेक कोसेक कॉट हे सर्व गोष्टी ज्या असतात त्यावेळेस तुम्हाला त्या गोष्टीही तुम्हाला काढता येतात ओके बट आपल्याला सिलेबसमध्ये नाहीच आहेत त्यामुळे आपण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन मध्ये ते डिस्कशन करून काहीच फायदा नाही हॅव यू अंडरस्टूड गाईज दीज फोर फॉर्म्युलाज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिंपल अँड प्रिसाइज ओके चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट हेडिंग दो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट हेडिंग दो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. आता मला सांगा बाळांनो, एक डिस्कशन आपण करूयात. मला सांगा सर्वात महत्वाचा फॉर्म्युला कोणता असेल या सर्वांमध्ये? फर्स्ट फॉर्म्युला. येस, तारणहार आहे. तारणहार आपला जहां जहां पे अपने को प्रॉब्लेम आएगा ना, ये फॉर्म्युला उसमें से अपने को बाहर निकालेगा. ओके, कौन सा? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला. यस बच्चों, सर्वात महत्वाचा फॉर्मूला कोणता आहे? फर्स्ट फॉर्मूला. हा आपण प्रत्येक ठिकाणी वापरणार आहोत, ऑलमोस्ट इच एंड एव्हरी क्वेश्चन मध्ये आपण काढणार वापरणार आहोत. ओके, चलो. सो हेडिंग द रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन. राइट डाउन इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. राइट डाउन उसके नीचे, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इंटीग्रल फंक्शंस, आर इंटीग्रल फंक्शंस of x. Then number one rule. Rule number one. Dekho. Integration of f of x plus g of x dx is equal to. मतलब addition के अंदर इसके ऊपर क्या परिणाम हो सकता है? Addition का इसके ऊपर क्या परिणाम हो सकता है? So derivative मध्ये काय होतं? Whether derivative was getting separated. ये सेम अगर derivative में अगर होता, यहां पे अगर इंटीग्रेशन का साइन नहीं होके, अगर यहां पे d अपॉन dx होता तो क्या होता था? It will be getting separated for f of x. Derivative will be getting separated for f of x and g of x. Yes. So वही होगा जो तब हुआ था. मतलब इन इंटीग्रेशन, इन एडिशन इंटीग्रेशन गेट सेपरेटेड. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स. रूल नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स. अभी अगर एडिशन में सेपरेट हुआ है तो सब्सट्रैक्शन को कौन गिनेगा क्या? उसमें भी सेपरेट कर डालो. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वेर के इज कॉन्स्टेंट. वेर के इज कॉन्स्टेंट, हाँ लिखेंगे बाद में अपन. बताओ बच्चों इसके अंदर क्या होगा? डेरिवेटिव में क्या होता था? अगर अटैच्ड कॉन्स्टेंट है, क्या है बच्चों? अटैच्ड कॉन्स्टेंट. बच्चों
अगर क्या है अटैच्ड कांस्टेंट है तो क्या होता था, वो डेरिवेटिव के बाहर आता था, सेम वे में इंटीग्रेशन में भी होगा। सो के इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्लस से लिखने की जरूरत है नहीं, लिखो वेर के इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, चलो इसके अंदर मैं एक फोर्थ लिखता हूं, ये रूल नहीं एक्चुअली बट फॉर योर एक समराइज होना चाहिए इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, दिमाग लगाओ सोचो थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा। ये रूल ने एक्चुअली ऊपर आना चाहिए था, है क्या जगह उधर फाइव नंबर लिखने के लिए, इधर लिखते अपन पांच नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स, मैं यहां से हटा देता हूं, आप यहां पे लिखो, मैं यहां से हटा देता हूं, मैं ऊपर लिखूंगा। बोलो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वन मला सांगा, अशी कोणती गोष्ट आहे ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्याला मला वन मिळेल, एक्स। ओहो सर, म्हणजे आता मला दोन गोष्टी आता लक्षात घ्यावं लागतील सर, की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट काय आला इथे, एक्स आला ना इथे एक्स, सो ना लक्षात घ्यावं लागणार सगळ्यात नंबर वन की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट हा काय वाढतो झिरो आहे, बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टंट हा एक्स आहे किंवा कॉन्स्टंट इंटू एक्स आहे, येस। जर का मी कॉन्स्टंटला के म्हणालो तर काय वाढतो तो के एक्स, गेटिंग दिस। ह्या दोन गोष्टी लक्षात घ्या, डेरिवेटिव्ह ऑफ व्हॉट इज द ट्रीटमेंट फॉर अटैच्ड कॉन्स्टेंट, वो डेरिवेटिव के बाहर आता है, इंटीग्रेशन में भी वो बाहर आता है, अटैच्ड कॉन्स्टेंट रहा तो वो डेरिवेटिव में भी बाहर आता है और इंटीग्रेशन में बाहर आता है, लेकिन इन दोनों में देखो फर्क है, यस yes, अगर ओनली कॉन्स्टेंट है, ओनली कॉन्स्टेंट, तो इन केस ऑफ डेरिवेटिव इज जीरो एंड इन केस ऑफ इंटीग्रेशन इट इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। यस बच्चों अंडरस्टूड, हे डिफरन्सिएशन सर्वांच्या लक्षात आले, नोट डाऊन करा याला सर्वांनी एकदम चांगल्या प्रकारे, कुठेतरी वरती टॉप ऑफ द पेज ला करा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज झिरो बट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ कॉन्स्टंट इज अ के एक्स। एकदम इजी सिंपल एंड प्रिसाइज, कुछ भी है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं। सो पांच नंबर का रूल जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे मेरा रह गया था, बट जो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके तुम तो जो का नंबर असेल तो लिया, मी तो फोर्थ नंबर लिखो। ओके चला, आज अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं ना इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन उसको एज सच कोई नाम नहीं है चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपन बोलते हैं, क्योंकि अपने को वहां पे आदत लग गई है ना चेन रूल बोलने की, तो यहाँ पे भी अपन उसको
बुक में कहीं भी उसको चेन रूल करके बोला नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉर्मूला कौन सा यूज करने का, तो मैं बोलूंगा चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अपन ये यूज करेंगे, समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि इस फॉर्मूला को कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। सो राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स। यस, तो सपोज इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव आता है फाइ ए एक्स प्लस बी। सर फाइ काय आहे, डोंट वरी, मी सर्व एक्झाम्पल थ्रू सर्व गोष्टी क्लिअर करेन। चेन रूल तरी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कळला होता का, एक्झाम्पल मध्येच कळला ना चेन रूल, फॉर्म्युलात काय कळलं होतं तुम्हाला, एकदा विचार करा, चेन रूल आपल्याला फॉर्म्युलात कळायला नव्हता। ओके, सो सपोज इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आया, इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव मे बी डेरिवेटिव में जो अभी भी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आया बच्चों, फाइ ए एक्स प्लस बी। ओके, और देखो यहाँ पे जो ए का मेरा कॉन्स्टेंट है ना, देखो ए का मेरा जो कॉन्स्टेंट है क्या, एक्स का जो मेरा कॉन्स्टेंट है ना वो क्या है बच्चों, ए, क्या बोल रहा हूँ, एक्स का जो मेरा क्या बच्चों एट कॉन्स्टेंट है वो है ए, उसको मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे और प्लस सी, ये तो हमेशा लेना है। हैव यू अंडरस्टूड दैट, नहीं समझा डोंट वरी, एग्जाम्पल थ्रू कवर हो जाएगा, लेकिन इसको अपन बोलते हैं अपने भाषा में बोलेंगे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। Check these out all the formulas which are there on your screen. और सोचो इसके ऊपर एक बार। ये सब फॉर्मूले मैक्सिमम डेरिवेटिव से ही आए हुए हैं, प्रोसेस फक्त उल्टी आहे, बाकी काहीच नाही, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, कारण की डेरिवेटिव म्हणजे काय, तोडणे, आणि इंटिग्रेशन म्हणजे काय, जोडणे, सो तोडण्यापेक्षा जोडणं हे अवघडच असतं, म्हणून इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले थोडेसे टेडियस आहेत। वा क्या बोल दिया सर, ओके okay, चलो फिर अभी करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़े से एग्जांपल्स, चलो टेक न्यू पेज, गिव हेडिंग एग्जांपल्स। ओके चलो लेट्स चेक, क्वेश्चन नंबर वन, ये एक्सरसाइज में से नहीं है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। मला सांगा इंटीग्रेशन ऑफ 9x^4 डीएक्स कैसे निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना,
हाँ कॉन्स्टेंट है तो उसको पहले बाहर निकाल लो, नाइन को निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू फोर डीएक्स। ओके बच्चों, उसके बाद नाइन तो मेरा एज इट इज है, अभी मैं इसको कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाऊ, क्या है वो फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सही है ना बच्चों? ओके सो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन, सो एक्स रेस टू एन कितना है फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन प्लस सी, सो इसका डेरिवेटिव मेरा बन गया नाइन एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव, सो इसको मैं कलेक्टिवली ऐसा बोल सकता हूं नाइन अपॉन फाइव एक्स रेस टू फाइव। Have you understood? Simplest form. बच्चों फॉर्मूला एकदम सिंपल, मैं बोल रहा हूं ना ये अपना तारणहार है, तारणहार जैसे डेरिवेटिव मध्ये पण आपल्याला एक फॉर्म्युला होता एक्स रेस टू एन चा, आपण तोच फॉर्म्युला वापरत होतो की नाही, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस वन, सेम इंटिग्रेशन ला आपल्याकडे हाच तारणहार आहे, यही अपने को बचाएगा। राइट इट डाउन। नंबर टू एग्जाम्पल देखते, माइनस थर्टीन एक्स, माइनस थर्टीन एक्स लगे दिमाग में आया होगा, डेरिवेटिव इसका माइनस थर्टीन, डेरिवेटिव नहीं निकलना है बच्चों अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थर्टीन एक्स डी एक्स। सो इस सबसे अंदर इसके पहले देखो इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट तो नहीं है ना, अरे है ना, क्या है माइनस थर्टीन ले लो बाहर, टेंशन मत लो। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ये तो हो गया, सो इज इक्वल टू माइनस थर्टीन, अभी यहां पे मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। चलो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू एन कितना है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, सो इज इक्वल टू माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस थर्टीन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। सिंपल सिंपल एकदम बच्चों, और इसके अंदर रह गया प्लस सी, ओहो इधर प्लस सी रह गया रे, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है कुछ भी, ओके इफ यू फॉरगेट टू राइट प्लस सी यू विल लूज योर मार्क्स, और प्लस सी सबसे एंड में लिखो, या फिर जब यह फॉर्मूला लगाओगे ना उसके बाद जब इंटीग्रेशन साइन निकल जाएगा तब प्लस सी लगाना है 100%। सॉरी मैं भी भावना बेगे ऊपर लगाया मैंने इधर नीचे नहीं लगाया, जब भी इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा तब आपने कौन लगाना है प्लस सी। जब भी इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा उसे आपने कौन लगाना है बच्चों प्लस सी। उसके बाद नंबर थ्री एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 12 dx, सो कॉमन सेंस अपन 12 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सो ये बन जाएगा 12 x, सो ये कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, x रेस टू n का ही फॉर्मूला बोल सकते हैं अपन, जरूरत है नहीं, दिस इज 12x एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x प्लस c, सबको पता है dx। अंडरस्टूड बच्चों,
कुछ भी एक है इसके अंदर, नंबर फोर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस सेवन। ई रेस टू एक्स प्लस सेवन। तो पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, इधर डीएक्स रह गया, पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे, हल्लू हल्लू प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, एकदम हल्लू हल्लू जाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन डीएक्स। पहले तो क्या किया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया, यस। उसके बाद इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स, इसके अंदर कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं है। इसके अंदर कॉन्स्टेंट है क्या, हाँ है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सेवन को ले लिया बाहर, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। सो मला सांगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स काय बोलणो, इज ई रेस टू एक्स इटसेल्फ प्लस सेवन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या बच्चो, एक्स प्लस सी। अभी सर इथे तो अपन दोन इंटीग्रेशन सॉल्व केले, तुम्ही तो एकदाच सी लिहिला, सर सी प्लस सी लिहा ना, कितने लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया है कि सर इंटीग्रेशन तो दोनदा काढलं पण प्लस सी तो एकदाच लिहिला। बाळ लक्षात घ्या, तुम्ही प्लस सी लिहा किंवा टू सी लिहा किंवा फोर सी लिहा, अगेन सी इज अननोन ना, तो अननोन आहे, म्हणजे आपल्याला तो दहा आहे का एक हजार आहे का पन्नास हजार आहे तो माहित नाही। मग आता मला सांगा तुम्ही त्याला सी लिहा नाही तर टू सी लिहा, काय फरक पडतो का, काहीच फरक पडत नाही। सो एकदा जरी सी लिहिला दॅट इज सफिशियंट, समजते बाळांनो, इवन इफ यू राईट इट वन्स इट इज सफिशियंट फॉर द सेम, अंडरस्टूड। सो दो बार सॉल्व करके दो बार मत लिखो सी प्लस सी टू सी, अरे सी इटसेल्फ इज अननोन, म्हणजे इन शॉर्ट इट इज लाइक इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू झिरो क्या, इट इज अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी झिरो नहीं होता इसको बाद में, इसको इंटू सपोर्ट टेन किया, टेन टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, अरे इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पता नहीं है अपने को, तो उसका टेन टाइम्स क्या पता होगा, नहीं पता। सो इट इज लाइक दैट ओनली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू एक्स प्लस सेवन एक्स डीएक्स। चलो पहले तो क्या करो, आराम से इसको अलग कर लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन एक्स डीएक्स, ओके। सो इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट है क्या, उसको बाहर निकालो। तो पहले इसमें कुछ है क्या, टू रेस टू एक्स, तो टू कॉन्स्टेंट है लेकिन रेस टू एक्स होने के बाद उसका वो इट इज नो मोर कॉन्स्टेंट, ओके। सो इसके अंदर कुछ नहीं है, सो इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सेवन इज कॉन्स्टेंट टेकन आउट ऑफ दिस, सो एक्स डी एक्स, ओके। चलो मैं सांगा बंधु, इंटीग्रे व्हाट इज द फॉर्मुला फॉर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू एक्स का, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, टू रेस टू एक्स अपॉन लॉग टू ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा उसको, यस वेरी गुड, फोर्थ फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन अबव, वेरी नाइस, प्लस सेवन इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, यस प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन निकल गया तो सी को उसके अंदर एड कर दो, ओके okay? बस इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज लेट इट बी, आई होप, मुझे लगता है इसको लेट इट ऐसे ही रहने दो। तो दिस इज द इंटीग्रेशन, समझते वालों, हाउ वी आर सपोज टू गो अहेड विद सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन इंटीग्रेशन। सो अभी अपन ने बेसिक प्रैक्टिस की इसकी भी और इसकी भी,
कल अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों डायरेक्टली 5.1 से, जिसके अंदर अपन चेन रूल को भी देखेंगे कि हाउ टू अप्लाय चेन रूल ऑफ इंटिग्रेशन. बघा मी म्हणतोय चेन रूल, बट अशी कोणतीच कन्सेप्ट या पुस्तकामध्ये नाही या चेन रूल, नाहीतर मी म्हणतोय शोधत बसताल सर चेन रूल कुठे दिसलोच नाही चुकी शिकवलं. डोंट वरी. ओके, अशी कोणती कन्सेप्ट ह्या इंटिग्रेशन मध्ये ऍप्लिकेबल नाहीये. आपण फक्त आपल्या सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स वी आर डुईंग दॅट. ओके, सो थांबूयात आपण आज इथे. बी रेग्युलर, बी अटेंटिव्ह. अगर जर का तुम्हाला वाटतंय तुम्हाला इंटिग्रेशन चांगल्या प्रकारे यायला पाहिजे, यू हॅव टू व्हेरी स्ट्रिक्ट टू द लेक्चर्स ऑफ इंटिग्रेशन. आगले 3 चॅप्टर्स व्हेरी व्हेरी स्ट्रिक्ट. येस बच्चो, सो इंटिग्रेशनची बेसिक आयडिया तुम्हाला आता आलेली आहे. एकदा घरी रिवाइज करा अँड लेट मी नो इफ यू हॅव एनी क्वेरी. डोंट वरी, आपण 2-3 दिवस त्याला पूर्णपणे रिवाइज करणार आहोत. देन विल गो फॉर द डिफरंट पार्ट ऑफ इट. चलो, सी यू टुमॉरो.